अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इफ़त और आप देख रहे हैं इफ़त इमरान यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं, शाम का वक्त है तो कुछ टी स्नैक्स। तो आइए उसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं जो है वो 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर या मैदा डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप घी लेवल। अच्छा जी, मैंने इसमें डाल दिया है घी और डाल दिया है मैदा। उसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून कलौंजी। कलौंजी अगर आपके पास ना हो, अगर आपके पास काले तिल अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकती हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून नमक और पानी मैं लूंगी जितनी मुझे नीड होगी। ठीक है, तो चलें इसको गूंदते हैं। तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं बनानी है, इतनी ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं, बस नॉर्मल डो एक बना के तैयार करनी है। तो चलें इसको गूंद लेते हैं। अच्छा जी, तो पानी जितनी नीड होगी मैं उतना डालूंगी इसमें। एक डो जैसे बना के हम आटे की बनाते हैं, थोड़ी सी हार्ड वो बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं मैंने जो है वो डो रेडी कर ली है। अब डो को रेस्ट देना है आधा घंटा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आधे घंटे में, फिर बताएंगे कि इसके साथ क्या करेंगे। अच्छा जी, तो वेलकम बैक। आधा घंटा गुजर गया है, मैंने आटे को रेस्ट दे दिया था आधा घंटा। तो अब इस आटे को हम दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो मैंने एक जो है वो हिस्सा इसका वो यहाँ पे रख लिया है। अब मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से एक बड़ी रोटी बेल लूँगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ बेल के। ये देखें, मैंने एक बड़ी रोटी जो है वो बेल ली है। अब मैं इसको स्क्वायर शेप में जो है वो कट कर दूँगी। ठीक है जी, ये देखा आपने। अब मैं इसकी पतली पतली जो है वो स्क्रिप्ट काट लूँगी। अच्छा जी, तो अब हमने इसको पतले पतले इस तरह से काट लिया है स्क्रिप्ट में, लंबाई में। अब हम दो स्क्रिप्ट उठाएंगे, ये दो पीस उठाएंगे और इसको जो है वो ट्विस्ट करेंगे, यानी आपस में फोल्ड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखें, मैंने एक के ऊपर एक रख के ये चिपका दिया है, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ कॉर्नर्स को प्रेस करके चिपकाया है। ठीक है, अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है, यानी फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद फोल्ड करने लगी हूँ। तो ये देख लें आप, ये देखें आप, ये मैंने एक फ्लावर की शेप में जो है वो फोल्ड करा है। ठीक है, अब मैं इसी तरह सारे फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं मेरे बड़े प्यारे से सारे फ्लावर्स जो हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। तो आप चलें इनको डीप फ्राई करते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ ऑयल में। तो फ्लेम हमेशा जो है वो मैं लो और मीडियम के दरमियान पे रखूँगी, क्योंकि ये है कि मैदे के हैं तो ये अंदर से जो है वो कच्चे रहेंगे और ऊपर से पक जाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने जो है इसमें फ्लावर अपने ऑयल में डाल दिए हैं और फ्लेम मैंने जो है लो और मीडियम के दरमियान में रखी है। तो मिलते हैं फ्राई होने पे। तो हमारे सारे फ्लावर जो है वो फ्राई हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही यमी शेप्स में हैं, बहुत ही यमी जायका है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।